आप ऑफिशियली एंटर करने वाले हैं आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में, बिकॉज नाउ इन दिस सेमेस्टर आपके पास होगी आपके फील्ड रिलेटेड सब्जेक्ट। आप आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले इन दिस सेमेस्टर। यू विल लर्न हाउ टू मेक वेबसाइट, इजंट दैट कूल थिंग। आप वेबसाइट कैसे बनाते हैं सीखने वाले हो इस सेमेस्टर में। पहले ईयर में आप सीखेंगे कि Netflix, Amazon जैसी वेबसाइट कैसे बनती है। नाउ आई विल शेयर यू इन दिस वीडियो लाइक व्हाट इज देयर इन सेकंड सेमेस्टर, जस्ट लाइक व्हाट आई शेयर। इफ यू हैवंट वॉच व्हाट इज देयर इन फर्स्ट सेमेस्टर, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। तो इस सेमेस्टर में आपके पास होंगी 7 सब्जेक्ट। देयर सब्जेक्ट्स आर फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, थर्ड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फोर्थ वेब पेज डिजाइनिंग विद HTML, फिफ्थ कंप्यूटर पेरिफेरल एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, सिक्स्थ प्रोग्रामिंग इन सी, सेवेंथ बिजनेस कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट विल हैव एक्सटर्नल, ओरल एंड ऑल। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि ये सब्जेक्ट स्किप कर लो तो ठीक है मत करो, क्योंकि आपके पास होगी एक ओरल। इस ओरल में आपको क्वेश्चन पूछने वाले। डोंट एम्बरेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर टीचर। ठीक है, सो लर्न दिस सब्जेक्ट वेल। सो इस सब्जेक्ट में आपको मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होते, AC DC सप्लाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कैसे वर्क करते, सिंगल फेज थ्री फेज AC सप्लाई कैसे वर्क करते, ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है। सो दिस सब्जेक्ट इज टोटली गोना बी अराउंड इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड। प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से होती है सब्जेक्ट में, सो मेक श्योर यू एंजॉय द प्रैक्टिकल। देयर आर डायग्राम्स, लर्न दोस डायग्राम। एग्जाम 70 मार्क्स की होगी, सो मेक श्योर यू स्टडी वेल फॉर दिस सब्जेक्ट, बिकॉज बहुतों का ये सब्जेक्ट बैक रहता है। इन दिस सेमेस्टर ऑल दिस 5 सब्जेक्ट होने वाले सबके बैक ही रहते हैं मोस्टली, कभी कभी सबका पैनल भी लगता है। सो मेक श्योर यू नो लाइक डोंट टेक दिस सब्जेक्ट दिस सेमेस्टर लाइटली। और ये सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट सभी इंटरकनेक्टेड है अगले सेमेस्टर अगले ईयर से। ठीक है, सो मूविंग ऑन, देयर इज सब्जेक्ट कॉल्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स व्हिच वी ऑल कॉल M2। M2 आपको सिर्फ क्लियर करना है, और अगर आपको आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग में अगर फ्यूचर करना है सो मेक श्योर यू लर्न दिस सब्जेक्ट नाइसली। बेसिक स्ट्रक्चर सुन लो इसका क्या है, इक्वेशंस होते हैं इसमें, टेंजेंट मैक्सिमम मिनिमा, कर्वेचर ऑफ रेडियस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक होगी इस सेमेस्टर में। यू हैव टू सॉल्व। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करनी है मेक श्योर यू गिव टाइम टू दिस सब्जेक्ट। और आपको ये सब्जेक्ट अगर क्लियर करना है सो मेक श्योर यू गो एवरी डे एटलीस्ट हाफ आवर टू 1 आवर, और वो नहीं होता तो एटलीस्ट एग्जाम के 1 महीने से पहले डेली 1 आवर दो, तब भी हो जाएगा। यू डोंट हैव टू स्टडी एवरी डे, जस्ट गिव 1 मंथ। और आपको अगर फुल स्कोर करना है तो डेली स्टडी करो, दैट्स इट। And yes, if you want a video in which I should share how I clear my subject, make sure you comment below. Okay, then moving on, there is a subject called basic electronics. In this subject, you will identify what are the electronic components in electronic circuits. अगर आपको अगले semester करना है, ठीक है, डिप्लोमा छोड़ के नहीं जाना है, सो लर्न दिस सब्जेक्ट, बिकॉज अगले सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट होगा कॉल्ड डिजिटल टेक्निक। इन दैट सब्जेक्ट यू हैव टू लर्न कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे वर्क करते, सो अंडरस्टैंड इन दिस सब्जेक्ट कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते। ठीक है, अंडरस्टैंड द इंटरप्रेट द वर्किंग, ट्रांजिस्टर क्या होते, जंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे वर्क करते, एप्लीकेशन क्या है, डायोड्स क्या है। ठीक है, दिस सब्जेक्ट विल अगेन हैव अ 70 मार्क्स एग्जाम, थ्योरी एग्जाम, सो मेक श्योर यू गिव इट इनफ टाइम टू स्टडी एज वेल। देन देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड प्रोग्रामिंग इन सी। आप आपकी लाइफ की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाली है इस सेमेस्टर में, दैट इज सी। अगर आपने इस सेमेस्टर में सी सीख लिया तो आई गारंटी यू कि आपको डिग्री के एंड तक, फोर्थ ईयर तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इन दिस सेमेस्टर यू लर्न एवरीथिंग देयर इज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स। इफ यू क्लियर दिस थिंग आपको फोर्थ ईयर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई भी पूछे कि सिंटैक्स क्या है तो आप बता सकते हैं कि सिंटैक्स क्या है, एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। दैट इज व्हाट यू नीड, यू नीड टू गेन द नॉलेज, यू नीड टू गेन द बेनिफिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर कोई भी बंदा लाइक नोज व्हाट इज प्रोग्रामिंग सी इन फर्स्ट ईयर, ही विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम अंटिल हिज डिग्री इज ओवर, बिकॉज वो सब कुछ लर्न कर लेगा ना, राइट। इन फ्यूचर आई एम गोना शेयर अ रोड मैप वीडियो वेयर आई विल टेल यू लाइक प्रोग्रामिंग सीख कैसे स्टेप बाय स्टेप लर्न करो, ठीक है, इन योर फ्री टाइम, और आपके प्रोफेसर जो सिखाते हैं उस पर भी ध्यान दो। ठीक है, एंड दिस सब्जेक्ट विल हैव 70 मार्क्स थ्योरेटिकल एग्जाम, ओके, सो मेक श्योर यू गिव इट इनफ टाइम, बिकॉज इस सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है प्रोग्रामिंग इन सी, सो मेक श्योर यू गिव मोस्ट ऑफ द टाइम टू दिस सब्जेक्ट। Then you have business communication using computer. आपके प्रोफेसर आपको एक ग्रुप में असाइन करेंगे, उस ग्रुप में आपको एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक पर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, और वो प्रेजेंटेशन आपको एंड में सबके सामने देना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल क्या होता है, रिज्यूम कैसे तैयार करते हैं, वो सब आप इसमें लर्न करने वाले। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, नो ऑनलाइन एग्जाम, नथिंग। देन यू हैव कंप्यूटर पेरिफेरल एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, जो आपने वर्कशॉप प्रैक्टिकल में सीखा था, फंडामेंटल ऑफ ICT में सीखा था, उसका ही एडवांस वर्जन ये होगा, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या है उसके, हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है, उसके ड्राइव्स कैसे होते हैं, पार्टीशन कैसे वर्क करता है,
यू हैव टू डू एवरीथिंग इन दिस सब्जेक्ट. देन यू विल लर्न वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं बाय वेब पेज डिजाइनिंग विद HTML सब्जेक्ट. दिस सब्जेक्ट वॉन्ट हैव एन एग्जाम, जस्ट आपको प्रैक्टिकल होगा. यू विल लर्न लाइक HTML में आप वेबसाइट कैसे बनाते. You can create website like Amazon, Facebook, Wikipedia, Reddit and many more websites. And this subject is important for your psychology. ठीक है, अगर आपने वेबसाइट तैयार की ठीक है HTML में, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि आई कैन डू एनीथिंग. बिकॉज अगर आप वेबसाइट तैयार कर सकते हो तो आप सबकॉन्शियसली ये बता दें आपके माइंड के लिए, ब्रो आई कैन डू दिस. और अगर आप वेबसाइट नहीं बनाते तो देन यू आर लाइक, ब्रो आई कैन डू इवन अ वेबसाइट, हाउ विल आई लर्न टू मेक अ सॉफ्टवेयर, राइट. तो मेक श्योर यू लर्न दिस सब्जेक्ट वेल, क्लियर क्रिस्टल. इस सब्जेक्ट से आपका माइंड एक क्लियर हो जाएगा, यू विल हैव कॉन्फिडेंस. सो मेक श्योर यू डू वेल इन दिस सब्जेक्ट. आई विल टेल यू द विच प्रोजेक्ट यू कैन क्रिएट इन HTML इन फ्यूचर, सो मेक श्योर यू कैन वॉच दैट वीडियो टू. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मैं वीडियोस का रोड मैप वीडियो से कोर सजेशन है. रोड मैप वीडियो में आपको मैं बताऊँ की स्टेप बाय स्टेप पाइथन, जावा, C++, डेटाबेस कैसे लर्न करना है. और कोर सजेशन में आई विल शेयर द कोर्सेज विच विल बी द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, लाइक आप इजिली कैसे लर्न कर सकते कोई भी टेक्निक. दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस. मेक श्योर यू सब्सक्राइब and watch the second and third year semester. Bye-bye.